गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स फॉर क्लास टू। अगले वीडियो में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस से 4E तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग 4F चलेंगे। ऐड द फॉलोइंग, इसमें सबसे फर्स्ट सवाल है ऐड द फॉलोइंग, है ना। जैसे 100 है, 10s है और 1s है, तो 1s वाला को 1s वाले के सामने जोड़ेंगे, 10s वाला को 10s के सामने और 100 वाला को 100 के सामने जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 का 4 हासिल यानी कैरी जो है 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 1 5, है ना, इसमें कोई कैरी नहीं है। 7 और 2 9, इस तरह से इसको आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऐड जो है इस पेज में सबको बनाकर भी दिखाया हुआ है और आप लोग इसको अपने से बनाएंगे भी, ठीक है, बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अब नंबर 2 सवाल है आपको, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। तो ये आपका सवाल है 276 एंड 415। तो इसको 100s, 10s और 1s के रूप में लिखते हैं। 100, 10s और 1s मैंने इसको लिख दिया। 1s वाला जैसे ये 6 है तो 6 लिख दिए, 10s में 7 है और 100 में 2 है, तो 276। फिर है 415, तो 415 को दोनों को हम जो है ऐड करेंगे। 6 और 5 11 का 1, 7 और 1 8, 8, 8 और 1 9, है ना, 9 हो गया। 2 और 4 6, ये दोनों को हमने अरेंज किया और देन ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 707, तो इसको भी 100, 10s और 1s में अलग अलग कर देते हैं, तो 707 हो गया। और क्या है दूसरा जो है 185 है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। 7 और 5 12 का 2 हो जाता है, हासिल 1 होता है यानी कैरी 1 होता है। 8 और 1 9 और 7 और 1 8 हो जाता है। इस तरह से आप जो सी है उसको बनाया हुआ है, आप बना लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 4G में, है ना। 4G में जो है यह ऐड है ना, उसी तरह से बनाना है जैसे 100 से है, 10s है और 1s है, तो 395 है। उसके बाद है 467, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो जाता है। 3 और 4 7, 7 और 1 8, इस तरह से 862 हो जाता है। फिर है 100, 10s और 1s 170, तो ये 100 है, 10s है और 1s है, इसमें लिखते हैं 117, फिर 293। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 3 और 0 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। 7 और 9 16 का 6 हासिल 1 यानी कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 होता है, 463। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 यानी कैरी 1 होता है। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1। 7 और 1 8 होता है, 8 और 1 9। इस तरह से 4G जो है वो आपको J तक इस पेज में है, इस पेज में आप लोग देख सकते हैं, है ना। देखने के बाद आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अगर दिक्कत होगा तो इसको फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है के नंबर देखिए 200 जो है, है ना, और 147, 235, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 यानी कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 कैरी 1, 2 दो 4 1 5, 5 1 6, 665। उसके बाद इसको अपने से जोड़ लेना है। अब देखिए 2 नंबर सवाल है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। 296, 410 एंड 236, 296, 410 एंड 236। तो 100, 10s और 1, 296, 410 और 236, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 3
थर्टीन, थर्टीन और वन फोर्टीन का फोर, हासिल वन यानी कैरी वन, टू और फोर सिक्स, सिक्स टू एट और वन नाइन, 942। उसी तरह से इसको भी ऐड करना है ना, अरेंज करना है पहले कॉलम्स में और ऐड करना है। तो हंड्रेड, टेंस और वंस होता है, उसी तरह से 181 लिख देते हैं, 409332, ये सबको पहले अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 और 2 11, 11 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 है ना, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9 है ना। तो ये हो जाएगा 3 और 4, 3 और 1 4, 4 और 6 10 का 0 है ना, कैरी 1, 3 टू 5, 5 1 6, 6 और 1 7, फिर हो जाएगा 3 टू 5, 5 और 1 6, 6 का 6। इस तरह से हमारा जो है 4G जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4H देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम है ना, इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से, इसको सवाल को देखिए। देखिए सवाल है, देयर आर 458 बॉयज, ध्यान से समझिए, देयर आर 458 बॉयज एंड 334 गर्ल्स इन ए डांस क्लब, एक डांस क्लब में 458 लड़के और 334 लड़कियां हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द डांस क्लब। तो दोनों मिलाकर, लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये डांस क्लब में हैं। तो इसको सॉल्यूशन मैंने लिखा है, नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, लड़कों की संख्या जो है 458 है। उसके नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 334 है ना। फिर मैंने लिखा है इसलिए, है ना, इसलिए का साइन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12 का 2, 5 और 3 8 और कैरी 1 9 हो गया, और 4 और 3 7, यानी 792 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 792। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल है, एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट डिलीवर्ड 245 पैकेट्स इन द मॉर्निंग, एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 245 पैकेज जो है ये मॉर्निंग में डिलीवर किए जाते हैं यानी दिए जाते हैं, एंड 188 पैकेज इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में 188 पैकेज जो है वह डिलीवर्ड किए जाते हैं, हाउ मेनी पैकेज वी आर डिलीवर्ड ऑल टुगेदर। तो सब मिलाकर है ना, मॉर्निंग में और आफ्टरनून के बाद जो भी पैकेज जो डिलीवर किए जाते हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर ऑफ पैकेज डिलीवर्ड इन मॉर्निंग है ना, नंबर ऑफ पैकेज डिलीवर इन आफ्टरनून, तो दोनों को जो मॉर्निंग में था 245 था और आफ्टरनून में 188 था, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पैकेज डिलीवर ऑल टुगेदर, साथ मिलाकर सबको कितना डिलीवर्ड किया जाएगा, तो 5 और 8 13 का 3 हासिल 1 यानी कैरी 1 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 1 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 433 पैकेज जो हैं डिलीवर्ड किए गए। ठीक है, अब थ्री नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, रोहित कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 235 है ना, रोहित जो है वह योगदान करता है किसी काम में है ना, 235 रुपीज़ देता है, राहुल कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 150 एंड रीता कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 175 फॉर द बर्थडे गिफ्ट ऑफ दियर फ्रेंड मीना, यानी मीना का बर्थडे है और उसमें रोहित जो है 235 रुपया कंट्रीब्यूट करता है, राहुल जो है वह 150 रुपया कंट्रीब्यूट करता है, रीता जो है 175 रुपया कंट्रीब्यूट करती है, कि क्या खरीदने के लिए, तो बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए मीना के लिए, हाउ मच डिड दे कंट्रीब्यूट इन ऑल, तो पूरा मनी जो है वह कितना कंट्रीब्यूट किया गया, तो कंट्रीब्यूटेड मनी बाय रोहित
है ना, रोहित के द्वारा जो कंट्रीब्यूटेड मनी है वह 235 है, कंट्रीब्यूटेड मनी बाय राहुल, राहुल के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया वह रुपीज़ 150 है, और कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर रीता, रीता जो मनी जो कंट्रीब्यूट की वह था 175। दे कंट्रीब्यूट इन ऑल, सब मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट किया तो सबको हम ऐड करेंगे, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और कैरी वाला 1 16 का 6 हासिल 1 यानी कैरी 1, 2 और 2 4, 4 और 5 यानी 556 पूरा हो गया, कितना 556। अब ये 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। इन ए स्कूल कार्निवाल प्रीति सोल्ड 285 टिकट्स एंड सीना एंड शीला सोल्ड 392, है ना। इन ए स्कूल कार्निवाल, स्कूल के कार्निवाल में प्रीति जो है वह 285 टिकट्स जो है वह सोल्ड करती हैं, और शीला जो है वह 392 टिकट्स जो है वह सोल्ड करती हैं। हाउ मेनी टिकट्स वी आर सोल्ड ऑल टुगेदर, सब मिलाकर कितना टिकट्स जो है वह सोल्ड होता है। अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय प्रीति, प्रीति के द्वारा जो टिकट्स जो है वह सोल्ड किया गया वह है 285, और नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय शीला, शीला के द्वारा जो टिकट बेचा गया वह था 392। इसलिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ऑल टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो है वह बेचा गया दोनों के द्वारा, वह उसको उसके लिए क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे दोनों को, 5 और 2 7, 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 2 और 3 5 5 और 1 6 यानी कि 677। इस तरह से आपका चैप्टर जो है वह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर टेस्ट देखते हैं जो पेज नंबर 58 में है, है ना। फर्स्ट है ऐड, है ना, यानी फर्स्ट जो है वह क्या है, ऐड है 533 यानी 100 tens और 1s में अरेंज करेंगे, 533 149, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, है ना। उसी तरह से फिर है नेक्स्ट आपका 638 दोनों को, और 299 दोनों को ऐड करेंगे, फिर है 258 179 और 525। तो 100 tens और 1s के खाके में इसको सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। जैसे देखते हैं ए सी नंबर 8 और 9 17 17 और 5 22 का 2 कैरी हो जाएगा 2 5 और 7 12 12 और 2 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 3 3 और 5 8 8 और 1 9 यानी 962। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं 2 नंबर, देयर आर 253 ट्रैवलर्स इन वन मेट्रो ट्रेन, कहता है कि 253 ट्रैवलर्स जो हैं एक मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, 325 ट्रैवलर्स इन अदर मेट्रो ट्रेन, कहता है कि 325 यानी 325 ट्रैवलर जो हैं ये दूसरे मेट्रो ट्रेन में लोग जो हैं ये यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हाउ मेनी ट्रैवलर्स वेयर देयर इन बोथ द मेट्रो ट्रेन्स, तो दोनों मेट्रो ट्रेन में कितने ट्रैवलर्स जो हैं यात्रा किए, तो इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन वन मेट्रो ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन में जो है वह कितना आदमी यात्रा किया, तो 253। दूसरे में नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन अदर मेट्रो ट्रेन इक्वल टू 325, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेन में कितने जो ट्रैवलर्स हैं वे ट्रैवल करते हैं, तो दोनों में हम लोग ऐड कर देते हैं 5 और 3 8 5 और 2 7 और 2 और 3 5 यानी 578। 3 नंबर में देखते हैं, बिक्की स्कोर्ड 453 मार्क्स इन द फर्स्ट टर्म, है ना। बिक्की जो है वह फर्स्ट टर्म में 453 मार्क्स लाता है एंड 492 मार्क्स इन द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में जो है 492 मार्क्स लाता है। हाउ मच डिड सी स्कोर इन ऑल, तो पूरा मिलाकर वह कितना स्कोर हुआ, तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है
मार्क्स इन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में जो मार्क है वह मार्क्स है 453 है, और मार्क्स इन सेकेंड टर्म वह है 492। टोटल मार्क्स इन ऑल, टोटल मार्क्स जो है वह है 3 और 2 5 हो जाएगा, 9 5 और 9 14 का 4 कैरी 1 4 4 8 और 1 9, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 945 है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। रीचा स्पेंड्स ₹339 इन कॉस्मेटिक ₹105 है ना। रीचा जो है वह ₹339 कॉस्मेटिक के सामान के लिए खरीदती है, उस पर खर्च करती है, और 105 जो है वह बुक्स खरीदती है, एंड 250 ऑन ट्रैवल, यात्रा करने पर ₹250 खर्च कर देती है। हाउ मच डज सी स्पेंड इन ऑल, तो पूरा मिलाकर वह कितना रुपया खर्च करती है। मनी स्पेंड ऑन कॉस्मेटिक ₹339, मैंने लिखा है कि मनी जो है वह खर्च किया जाता है कॉस्मेटिक पर, वह है 339। मनी स्पेंड ऑन बुक्स ₹105, मनी जो बुक पर खर्च किया जाता है वह है 105, और मनी स्पेंड ऑन ट्रैवल ₹250, जो ट्रैवल पर जो खर्च किया जाता है वह 250। सी स्पेंड्स, इसलिए सी स्पेंड्स इन ऑल, अगर उसको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 3 और 5 8 और 1 9, 9 हो गया 3 और 1 4 4 और 2 6, यानी 694 ये हमारा आंसर होता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ। MCQ में है 650 प्लस 80, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा। दोनों के जोड़ने के बाद हमारा जो ऑप्शन सी है 73 टेंस है ना, ये क्या आएगा 73 टेंस है ना। और 6 नंबर है 400 6 वंस प्लस 200 8 वंस और 4 वंस, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, तो वह बी ऑप्शन होगा 9 और 0, यानी कि इसमें जो ब्लैंक्स जो दिया हुआ है उस दोनों को जोड़ने के बाद 609 टेंस और 0 वंस हमारा आंसर होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं मेंटल मैथ, ऐड करना है 34 टेंस एंड 59 टेंस, ये दोनों को जोड़ने के बाद 93 टेंस होता है। 2 नंबर में देखते हैं 133 और 709 को जोड़ने के बाद 842 होता है। 3 नंबर है राम हैड 150 मार्बल्स, राम के पास 150 मार्बल है और सीता हैड 170 मार्बल, सीता के पास 170 मार्बल हैं, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ऑल, तो पूरे मिलाकर कितना मार्बल हुआ, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे राम हैड मार्बल्स इक्वल टू 150, सीता हैड मार्बल्स इक्वल टू 170 है ना, तो दोनों का मार्बल हमने लिख दिया। अब इसको टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 और 0 0, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। अब लास्ट है व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, क्या होगा सम है ना। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर जो है वह है 1 है ना, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बराबर 1 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बराबर 999। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10 का 0 9 और 1 10 का 0 9 और 10, यानी कि 1000 होता है। इस तरह से हमारा चैप्टर 4 जो है वह कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप लोग जो हैं इस चैप्टर तक, मतलब 4 चैप्टर तक आप अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जब स्कूल से बोला जाएगा तो कॉपी आप सबमिट करके चेक करा लेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।